मैं आपको इसका ये बता पस मंजर बता रहा था कि किताब क्यों वजूद में आई और किस वजह से वजूद में आई और इसका क्या मकसद है। इसका पस मंजर ये है कि अब से तकरीबन 20-21 साल पहले सन 2001 या 2000 इस तरह जो लिखा भी होगा सही मानों में तारीख ये जो पहला जो मायार है 2000 में, तो ये सन 2000 की बात है कि उससे पहले जो था हम ये देखते थे, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र मुझे 1994 से यानी कि बाकायदा किसी रस्मी तौर पे किसी इदारे के साथ और उससे पहले जो मेरा तखस्सुस के अंदर जो मेरा मकाला था वो और वालिद साहब के साथ जो मुस्तकिल काम वगैरह करते हुए देखना रहता था तो उस पर अंदाज़ा हुआ। और वालिद साहब के बहुत सारे जो मैंने मकालात पढ़े जैसे बहुत फ़िक़ाए फ़िक़ीह मुआसरा वगैरह और जवाहर फ़िक्र मसला सूद और दादे बग की किताब, इस तरह की चीज किताबें पढ़ी और बाद में दूसरे वो चीज़ें पढ़ी। तो एक बात ये समझ में आई कि हमने बेशक हिदाया सालिस के अंदर जो अब्वाबुल वुजू पढ़े हैं लेकिन उसकी जो तत्बीकात हैं उसको कैसे हकीकत में अमल किया जाएगा और कहाँ कहाँ अमल किया जाएगा, किस किस तरह अमल किया जाएगा, वो चीज़ मुकम्मल तौर पे हमारे तलबा को और हम सबको उसका मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं होता। क्योंकि होता ही है कि आमतौर पे जो मदारिस के अंदर जो हिदायत सालिस वगैरह पढ़ाते हैं अब वो पुराने ज़माने में जिस तरह कारोबार होता था उसकी तफसीलात बता दी, लेकिन जो आजकल जो मुख्तलिफ मॉडर्न बिजनेसेस हैं जो जदीद कारोबार हैं जिसमें बैंक भी है, जिसमें जॉन स्टॉक कंपनी भी है, ये भी है वो भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसको किस तरह होता है और उसका इसके साथ कहाँ पर उसका उसके साथ उसको जोड़ा जाएगा वो और उसकी तदबीकात क्या होंगी, एक तो ये चीज़ लोगों के ऊपर वादे नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अहनाफ हैं, मलाइशिया में ज़्यादातर शाफ़ई हैं, सऊदी अरब में या तो गैर मुकल्लिद हैं सलफ़ी हैं या हम्बली हैं, बात समझ आपकी, बहरीन में शाफ़ई लोग भी हैं ज़्यादातर और दूसरे और भी शायद कोई मसलक के होंगे, अफ्रीका वगैरह के अंदर ज़्यादातर मालकी हैं, ठीक है ना, इराक़ के अंदर हनफी हैं। तो अब होता ये था कि अब ये जो इस्लामी बैंक होते हैं ना इनका तब बहुत सारे मौके पर इनका एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक और मामला होता है, जैसे आप कभी एलसी खोलते हैं ना तो आपको एलसी जब खोलते हैं तो आपको दूसरे वाले मुल्क से आपको ताल्लुक वहाँ के बैंक से ताल्लुक़ रखना पड़ता है, अब अगर वो भी इस्लामिक बैंक है तो उसका भी कोई शरिया बोर्ड होगा, उसका भी कोई शरिया एडवाइज़र होगा, यहाँ पर अलग होगा, अब एक हनफी है एक शाफ़ी है, अब वो शाफ़ी मज़हब के हिसाब से फैसला कर रहा है या हनफी मज़हब के हिसाब से, वहाँ से हो सकता है कोई चीज़ जायज़ हो यहाँ पर नाजायज़ हो, वहाँ से मैं गया आपके, तो ये बड़ा होता था। और फिर ये तो खैर होता ही था यानी कि हनफी शाफी मालकी वगैरह के अख्तिलाफ तो होते ही थे, उसके अलावा ये भी बहुत होता था कि खुद हनफी हजरात में से चूँकि हमने बहुत ज़्यादा ममारसत नहीं की और अपने बुजुर्गों से इसके मसाइल की दिक्कत नज़र के साथ नहीं पढ़ा, तो हर मुफ्ती जो है वो अपने तौर पर एक मसले की तशरीह कर रहा है, कभी फ़लां जगह बैठता है और ये फ़लां जगह बैठता है फ़लां जगह बैठता है, तो इसकी वजह से हर इंसान जो है वो अपने अपने तौर पर बातें बताने शुरू कर देते, इसका नतीजा ये निकलता था कि जो बैंकों के अंदर या कंपनियों के अंदर जो मुशीर होते थे शरई मुशीर होते थे या शरई एडवाइज़र होते थे उनके माबैन अक्सर अख्तलाफ होते थे, कहते ये ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं ये जो मामला कर रहे हैं ये जायज़ है, कहते नहीं ये सही नहीं, अब उसको अलग दलील होती उसको अलग दलील होती, तो अब ऐसी सूरत के अंदर क्या किया जाए। तो अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो अच्छा बाद लोग बेचारे यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो है ना वो बिल्कुल बद्दू टाइप के जो यानी कि पंजाब पंजाब के ऐसे इलाके के लोग
अब वो अफसर तो वहीं के आए हुए ना माशाल्लाह हमारे यहाँ से ज्यादातर, यानी के दूर दराज के इलाके के लोग, तो अब वही जो है ना जाके किसी जगह पर अब जहाँ जरूरत होती है तो वो रख लिया जाता था। तो मुझे याद है उससे तकरीबन 25-30 साल पुरानी बात है कि क्या कहते हैं, मैंने जो है ना वो एक मामला बनाया और उस पर ये कहा कि भाई एक तरीक़ाकार इसका होना चाहिए। तो उस ज़माने में स्टेट बैंक के अंदर कोई शरिया बोर्ड, शरिया एडवाइज़र, कोई ऐसा कोई वहाँ कोई डिपार्टमेंट वगैरह कुछ नहीं था। एक आदमी को उन्होंने रखा हुआ था एज अ रिसर्च स्कॉलर, जो सिर्फ रिसर्च करके, कभी होता ना वक्त ज़रूरत, चलो अगर ये काम पड़ गया तो वो होता है, वो इमामत भी करते हों या उसका और भी कोई काम करते हों, तो उनको जो है ना वो क्या कहते हैं इस काम के लिए उन्होंने बिठाया हुआ था कि भाई जो है कभी ऐसा कोई मौका पेश आ गया तो उनको बिठा देंगे साथ। तो अब वो जो है ना वो उस दिन अजीब वाक़ पेश आया, हुआ ये कि उन्होंने कहा कि भाई बोलता ना अंधों में काना राजा, तो क्या कहते हैं वो हुआ ये कि उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये एक कुछ बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं आप भी जरा सुनिए, वो आपसे बताइएगा अब क्या रहा है। और वो जो सारे स्टेट बैंक के डायरेक्टर और डिप्टी गवर्नर को काफ़ी सीनियर लोग और बाकी 3-4 बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव और CEO वगैरह सब लोग, एक पूरा एक हल्का बना हुआ था। और वो मेरी सुन रहे थे कि भाई शायद मैं उस ज़माने में ही बता रहा था कि इस्लामी सुकूक किस तरीके से शुरू हुआ, बिल्कुल नया नया ज़माना था उसका ना। तो मैंने तो उसको नया तखसस भी किया था और नया नया मैंने शिरकत मुतालबा किताब भी लिखी हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहरहाल तो भी थोड़ा बहुत पता था, तो मैं उसके बारे में बता रहा था। तो जब मैंने पूरी बात बताई तो वो जो साहब बैठे थे सामने, तो मुझसे वो कह रहे एकदम से, ये तो बिल्कुल जहालत है, ये तो बिल्कुल जहालत है। अच्छा मैं भी जो है ना मैं तो समझ गया वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि कैसे जहालत हो गई, कह बिल्कुल जहालत है ये तो। अच्छा तो मैंने ही देखा तो वो जो साहब थे ना जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो हमारे सीनियर वगैरह सारे लोग बैठे थे, तो उनको ये लगा कि भाई ये जो साहब हैं जो सामने बैठे हुए हैं तो ये इस बंदे के ना तमीज़ की बात करी बजाय इसके ये कहता कि भाई ये ट्रांजेक्शन में गलती है ये हुआ, तो ये बंदे को जाहिल कह रहा है। तो मैंने अच्छा मैं भी जो ना मजे लेने के लिए दूसरी बड़ा मैंने पूछा कि क्या है, मैंने जहालत। तो क्या कहते हैं अब मैंने जो है ना तो जब उनको सबको गुस्सा चढ़ गया ना, वो बिल्कुल उसको निकाल देने वाले हो गए और उसको पिटाई करने वाले होने लगे थे, मुझे लगा कि अब उनको शामत आ गई उनकी। तो मैंने कह रही भाई खुदा के लिए ये सही कह रहे हैं, मैं कैसे नहीं कह रहे जहालत मैं। तो मैंने कहा सर मैं हमारे अरबी में एक मुहावरा है कि अल जहालत अल मुजिया तो निज़ा, तो ये मुस्तदात होता है, तो ये इनकी मुराद ये है। बाकी सारे लोग ठंडे हो गए, हाँ मैं यही कह रहा था मतलब ये था मैंने कहा। तो अब वो बेचारे को लोगों नहीं पता ना वो जहालत, वो सुन ये कह रहा है कि दूसरे आदमी को जाहिल आदमी है। तो खैर तो ये मसले मसाइल आते थे। तो फिर इसकी वजह से एक इदारा कायम हुआ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अल मुअस्सिसतु अल मुहासबतु अल बुनूक अल इस्लामिया, ये है ना नाम, हैयतु अल मुहासबा अल मुराजा अल मुअस्सिसतु अल मालियतु अल इस्लामिया, आई ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। मकसद इसका ये था कि तमाम चीज़ों के ऐसे स्टैंडर्ड्स बन जाएँ, ऐसे उसूल बन जाएँ कि बस लोग उसको फॉलो करें, और वो जो लोग बनाए वो ऐसे मुतबाहिर फकीह होने चाहिए कि जो कि जिनको वाकई वो तमाम चीज़ों को तमाम उसूल को अपने हदीस और फ़िक़्ह वगैरह की रूह से उसको गौर और फिक्र करके और आपस में बहस मुबाहिसा करके जिस पर जो इश्कार आते हैं फिर किसी एक बात पर राय कायम हो जाए कि भाई ये इस पर इजमा करें, गोया कि भाई एक इजमाई हैसियत बन जाए, गोया कि उसकी एक इजमाई हैसियत बन जाए, ताकि बस फिर जो है ना ये एक गाइडलाइन हो गई भाई इसके हिसाब से जो है वो सब लोग अपने अंदर इसको इसके हिसाब से फैसले करेंगे, हर आदमी अपने दिमाग नहीं लड़ाएगा। बात समझ आ गया आपके?
तो इस वजह से ये अल-महाजिर शरौइया किताब लिखी गई। ये तो इसके अंदर देखिए आप, शुरू में 10 उलमा थे, बड़े बड़े उलमा, हज़रत वाली साहब को माशाल्लाह ने इतनी बोल दिया कि मुत्तफ़क अलैह तौर पर उस जमाने से अभी तक रईस चले आ रहे हैं। और फिर शेख अब्दुल्ला सुलेमान अल-मनी वहाँ के काज़ी हैं मक्का मुकर्रमा के, शेख सद्दीक मोहम्मद अल-अमीन अज़हरी, ये बड़े बहुत बड़े आलिम थे, इंतकाल हो गया। शेख बाबा ज़ुहैली, इनका भी इंतकाल हो गया, बहुत बड़े आलिम, इनकी किताब है अल-फ़िक्हुल इस्लामी वअदिल्लतुहु। शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक नासिर मोहम्मद, शेख आजिल जासिम नशमी, ये कुवैत के थे। शेख अब्दुर्रहमान, ये भी हैं माशाल्लाह, ये वहाँ मक्का मुकर्रमा के बड़े आलिम। शेख अदाली में ये शाम के थे, उधर मलेशिया के थे। शेख अय्याशी सादिक सद्दादी, ये असलन शामी हैं लेकिन कुवैत वगैरह में होते हैं। और शेख अब्दुल्ला, इनके इंतकाल हो गए, ये बड़े मुतबाह फ़कीह थे। ये अब तो इसमें माशाल्लाह अफराद बढ़ गए, तकरीबन 20 हो गए, और बड़े बड़े और अफराद शामिल हो गए। लेकिन जो पुराने जो हजरात थे उनमें ज़्यादातर का, बहुत सारे लोगों में इंतकाल भी हो गया। तो ये जो है ये इस तरह ये वजूद में आया, और मैं भी बात बता दें कि महाजरात में शरीक हुआ, मैंने देखा। तो इनका तरीक़ेकार ये होता है कि एक इसकी एक ज़ेली कमेटी होती है, वो ज़ेली कमेटी जो है उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कहते हैं, मैं भी उसका मेम्बर हूँ बाद जगहों पर। उसके असर में पहले अलग अलग रीजन की थी, दुबई की अलग थी, कराची की अलग थी, और वहाँ की अलग थी, मैं दुबई और कराची वाले के मेम्बर था। लेकिन अब जो उन्होंने टोटल 4 कमेटियाँ कर दी हैं, जो रीजन वाइज नहीं है बल्कि वो क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो मतलब हुकूमतों के, वो यानी मुल्कों के हिसाब से नहीं है बल्कि रीजन के हिसाब से है। मतलब ये पूरा मशरक़ और मशरक़ वस्ता और ये जितना है ना उसका एक कर दिया, मगरिब का अलग कर दिया, शुमाल का अलग कर दिया, जुनूब का अलग कर दिया, जैसे 4 बन गए इस तरह उसका कर दिया। तो जो मशरक़ वाली है उसमें मैंने, तो उसमें होता ही है कि सबसे पहला इब्तदाई मुसव्वदा वहाँ पर तैयार किया जाता है, सब लोग बैठ कर गौर करते हैं और उसके अंदर जिक्र प्रत करते हैं कि भाई क्या 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 उसूल होने चाहिए। फिर उसको पेश किया जाता है, जो मजलिस अमूमी है जिसमें नाम बताए उसको पेश किया जाता है, वो उसकी इस्लाह करते हैं, पहली नज़र डालते हैं। फिर एक मजलिस इज्तिमा होती है जिसके अंदर इसको पेश किया जाता है जो इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, बैंकों के लोग, ताजिर, उलमा, हर तरह के तबके के लोगों के सामने पेश किया जाता है, ताकि अगर कोई किसी को प्रैक्टिकल कोई शिकायत हैं तो इस तरह वो होगा ताकि उस पर नज़रसानी की जा सके, उनको सुनाया जाता है। अगर कोई किसी को कोई कमेंट होता है, कुछ होता है, तो फिर उसको मरूज खातिर दीवार रख के नज़रसानी की जाती है और फिर उसको शानी किया जाता है। ये होता है तरीक़ा इसका, और इसका फ़ायदा बहुत हुआ है। जब से ये शुरू हुआ है तो बहुत सारे ममालिक ने इसको बाकायदा अपने यहाँ, सेंट्रल बैंक ने, उनके क्या कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है उसने इसको बतौर स्टैंडर्ड के, बतौर रोल मॉडल के, इसको गाइडलाइन के तौर पर ये लाजिम कर दिया तमाम बैंकों को, आपने इसको फॉलो करना है। वरना ये होता था ना कि अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 50-30-40-50 बैंक हैं, अब हर बैंक अपने शरिया एडवाइजर है, शरिया बोर्ड है, हर आदमी अपना बैठ के फैसला कर रहा है, ये जायज है ना जायज है, उनको दबाव पड़ गया कि भाई आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, और बेचारे शादी सीधे बहुत सारे लोग भी हैं, चलो ठीक है निकल गया। तो उन्होंने अभी कह दिया कि भाई आपने इसको मद्देनजर रख रहे हैं, और जब भी हम आपको ऑडिट करेंगे तो इसको सामने रखेंगे कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए इसके हिसाब से किए, इसके हिसाब से नहीं। और इस तरह कई सारे ममालिक ने इसको, इस तरह मलेशिया है, बहरैन है, दुबई है, कहाँ कहाँ है, तो उन सब ने इसको अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया, अपने यहाँ इसको लॉन्च कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक यकजाई हो गई, एक तरीके से इजमाई चीज़ हो गई। और फिर उन्होंने आखिर में उसके अंदर ये भी बता दिया कि भाई हमारे जो हमने स्टैंडर्ड बनाए इनके बुनियादी तौर पे पीछे कौन कौन से फ़िक़्ही उसूल हैं, मराजा मसादर क्या हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बयान कर दी, ताकि जो है ना वो किसी कदम की आप जो पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, तो उसकी जो है वो उसको परेशानी ना हो। बात आ गई समझ में आपको?
ये बुनियादी तौर पर इसका बुनियादी पस मंजर था। और अभी तो माशाल्लाह जो नई किताब आई है तो पुराना वाला नुस्खा है, बहुत पुराना है ये 1423, लेकिन अब तो इतना मोटा आ गया नया नुस्खा जो छुप गया ना, तो हमने भी बहुत सारे उस पर काम किया, तो ये बहुत अब माहिर बड़े हो गए। लेकिन अभी जो है ना वो अपडेटेड वर्जन जो है वो तमाम सेंट्रल बैंक्स के अंदर वो काबिल आमल नहीं, अभी तक शायद उसको उसकी तजवीज नहीं हुई है, अभी यही वाले जो वर्जन है इसी पर ही हो रहा है, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, ये तो ले लिया गया, उसके अलावा कुछ उसमें मजीद इजाफे कर दिए गए वाले। तो ये है खुलासा जो कि इस किताब की बुनियादी तालीफ का एक वजह बनी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इंकलाबी काम, बहुत बड़ा इंकलाबी काम, क्योंकि आप हिदाया पढ़ते हैं और आप जो है ना वो बाद में यहाँ पर दौर तखसस के अंदर अब्दुल मुख्तार पढ़ते हैं और बदार सराय पढ़ते हैं, आलमगीर पढ़ते हैं, अब किसी में कोई मसला कहाँ से, अब हर वक्त अब हर आदमी बैठ कर अपने अपने को देता है और फिर उसकी तशरीह कैसे होती है तो और फिला जगह तकलीफ कैसे होती है। अब मैं देखता हूँ ना हमारे यहाँ के बहुत सारे मुश्किल हजरात, तो बेचारे वो जो है ना वो फिर निकालते हैं यार इसमें ये वाली तकलीफ होगी, ये वाली होगी, किस तरह करेंगे, लेकिन अब कोई मसला ही नहीं, बस सीधे सीधा उसको निकाल और क्योंकि एक तरीके से तमाम बड़े बड़े उलमाए किराम जो अपने जमाने के फकीह हैं। और मुझे याद है हज़रत वाली साहब मुद्दिल्लों जो शुरू शुरू में जाया करते थे, शेख यूसुफ़ अल-क़रज़ावी जो बहुत बड़े आलिम हैं और वो फ़िक़्ह इस्लामी भी एक इदारा है, तो वो उसमें भी अल-क़रारात उसकी अलग होती है, बल्कि आप लोग उसको भी मुताला कीजिएगा, फ़िक़्ह है आप लोगों में दफ़े नहीं है, है तो वो जो है ना वो किताब आप लोग ज़रूर मुताला कीजिए। उसमें ये हजरात भी होते थे और भी बहुत सारे उलमा पूरी दुनिया भर के आया होते थे, तो मैं अक्सर हजरत शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी जो है ना बड़े आलिम हैं, वो मशरा भी हयात हैं, बहुत उम्र उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ मेरा कभी वो वाली साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और अक्सर हम लोग एक ही घर में या एक ही अपार्टमेंट में ठहरे होते थे कई कई दिन, हफ्ते हफ्ते मक्का मुकर्रमा में, मदीना में, इतने जगह पर, कभी यहाँ पर अबू धाबी में, तो अक्सर उनके साथ मेरा रहता था आना जाना, मैं छोटा था तो बहुत मतलब मेरी सोच में उम्र होगी 14-15 साल, तो वो जो है मेरा बहुत सारे हजरात के साथ शेख अब्दुल्ला मनी हैं और जितने भी हजरात उनके साथ मेरा बहुत माशाल्लाह बचपने का ताल्लुक रहा उनके साथ, तो क्योंकि मैं वाले साहब के साथ अक्सर सफर में चले जाया करता था, तो बल्कि वो जो जो हमारे वाले साहब ने जिनसे सिलसिला हादी से मुसलसला जिनसे हासिल की है शेख यासीन अल-फाज़ल ने, तो वो वाले साहब के साथ मैं भी उनसे शरीक हो जाता था उनके दरस में, मुझे भी मिल जाती थी, तो मैं दोस्तों हालांकि छोटा ही था तो लेकिन अल्लाह करम है उनकी ज़ियारत होगी इस बहाने, तो ये है, तो मैं आपको इसलिए बता दिया आपको कि इसका पस मंज़र क्या है क्या, ताकि ये मालूम होना चाहिए और उसकी ज़रूरत क्या है, वरना सच्ची बात है हम लोगों के लिए बड़ा मसला बनता था। अब तो खैर उस ज़माने में तो खैर इतने इस्लामिक बैंक थे भी नहीं और वो फिर भी कम थे और इख्तलाफ बहुत ज़्यादा इतना नहीं होता था, लेकिन अब तो इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि जो है वो हर आदमी अपनी ज़बान बोलेगा अगर ये चीज़ ना हो तो असर में आ गए आपके, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ा इंकलाबी काम अल्लाह ताला ने करवा दिया और ये सब लोगों ने मेहनत के साथ मुझे बहुत बड़ी जद्दोजहद के साथ, मैं देखता था अपने आप को फारिग करके सुबह से लेकर शाम तक जो है उस पर तफसील के साथ इस पर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और फुकहाए किराम अपने अपने जगह के अपने जो बेहतरीन मुतबाहिर अपने उलूम के वो सारे बैठ कर जो है ना वो फैसले करते थे इकट्ठे, तो उससे बड़ा इजमा क्या हो सकता है, तो इसलिए जाना ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत आप लोगों के लिए इसको पढ़ना और समझना ये बहुत मुफीद होगा। इसका थोड़ा सा मनहज जो है ना वो मुश्किल है, जो हमारी जो एक रिवायती अरबी है ना जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, तो उसकी इसकी अरबी वैसी नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि एक मरतबा आपको ये मनहज और ये तरीके से आप एक मयार, दो मयार, तीन मयार, चार मयार एक दो मरतबा पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपके लिए बाकी सारे पानी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान हो जाती है फिर ये, तो इंशाल्लाह सुबिया मुझे इतना ज़्यादा कोशिश करें पढ़ें तो इसको करें कि मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह, तो इससे इंशाल्लाह ताला हमारे अंदर एक पता चल जाएगा कि पीछे कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है, किस तरह हो रही है, कहाँ पे कहाँ इस तरह क्या इस्तेमाल होता है,
उसकी पूरी दिक्कत नज़र के साथ उसके बारे में मालूम होगा। और फिर कहीं आपको अल्लाह ताला के कभी खिदमत का कहीं मौका दिया। अक्सर ये बेचारे जो मौजूदा ये लोग हैं ना, सारे बेचारे में बहुत सारे शागिर्द हैं, मुआज हैं, ये लोग हैं पुराने जो साथी हैं, सारे माहिर पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, इन लोगों को अल्लाह ताला ने समझ फहम अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। क्योंकि मैंने तो बड़ों से सीखा है, मेरा अपना तो कुछ भी इसी बात है, मैंने जो उनसे सीखा वो आपको बता दिया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौका मिला, काफ़ी वक्त मिला इन हज़ार के साथ पढ़ने का, सीखने का, समझने का। तो वो जो कुछ पढ़ा हुआ है तो वो आप लोगों में तकलीफ करके, तो अब आप लोग आगे इंशाल्लाह चलाएंगे इसको। तो ये है खुलासा इस बात का, ठीक है। तो आज यहाँ पे काफ़ी मुझे था, अभी हमारी मीटिंग है दावे के साथ ग्राम वाला की, तो वहाँ जाना है। तो इंशाल्लाह शुक्रिया। Thank you.